राज्य की राजनीति में अल्फाजी घमासान का सिलसिला जारी है, जहां एक और उद्धव ठाकरे द्वारा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के टिप्पणी पर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा निषेध मोर्चा निकाला गया, वहीं उसी के प्रति उत्तर में शिवसेना उद्धव गुट द्वारा सीताबर्डी स्थित वैरायटी चौक पर तीव्र आंदोलन किया गया। शिवसेना ठाकरे गुट द्वारा किए गए इस आंदोलन में शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी मात्रा में देवेंद्र फडणवीस के विरोध में नारेबाजी की गई, जहां 15 फुट का बैनर बनाकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की फोटो के नीचे हां हां मैं कलंक हूं ऐसे वाक्यों में लिखकर आलोचना की गई। इस वक्त शिवसेना कार्यकर्ताओं ने बैनर पर लाख घूसों से मार कर अपना रोष व्यक्त किया। इस समय बोलते हुए शिवसेना के शहर प्रमुख नितिन तिवारी ने तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं ऐसे वैगात्मक प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आलोचक टिप्पणी की। आदरणीय पक्ष प्रमुख ने एक शब्द बोला कलंक, तो तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, इसलिए आज शिवसैनिक यहां पर आए हैं, किसी को मिर्ची नहीं लगने को ना। कल भाजपा को इतनी सी मिर्ची लगी कलंक पे, और इसके पहले इनका प्रदेश अध्यक्ष जिस प्रकार की अभाषित भाषा करता है, इनका नीतीश रायन नारे लाने सुपुत्र जिस प्रकार बात करते हैं, तो नवनीत राणा राणे का पति इस प्रकार की बातें करते हैं, तब इनको समझ में नहीं आता। तो इन्होंने सचमुच ये लोग, क्योंकि इन्होंने लोगों का घर फोड़ा है, इन्होंने राजनीति की पार्टियां तोड़ी है, स्वतंत्रता के बाद वो स्थिति कर दिया है इन सत्ता पिपासु लोगों ने कि आज महाराष्ट्र परेशान है, आज अस्थिरता है, हर जनता में अस्थिरता है, सिर्फ सिविल जनता में नहीं, शिवसैनिकों में नहीं, प्रशासन के लोगों में भी अस्थिरता निर्माण करने वाले देवेंद्र जी आप सचमुच राजनीति का कलंक हो, और ये कलंक सही शब्द आपके लिए साबित किया गया, इसमें आपको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, इसलिए हम लोग सब यहाँ पे जारी है, तुझे मिर्ची लगी तो मिर्ची लगी तो। इस वक्त शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का पुतला भी फूंका, जहां कार्यकर्ताओं के बीच भड़की आक्रामकता के कारण वैरायटी चौक की यातायात अस्त व्यस्त हो चुकी थी, और जोरों शोरों से कार्यकर्ताओं ने इस वक्त भाजपा का विरोध किया और नारेबाजी की। दर्शकों, देश की सियासत में, राज्य की सियासत में काफी बड़ी उठा पटक यहाँ देखने को मिल रहे है। जैसा की आप जानते हो, उद्धव ठाकरे के नागपुर दौरे के दौरान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कलंक कहकर संबोधित उन्होंने किया था, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने कल किया, और उसी के प्रत्युत्तर में आज वैरायटी चौक पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर ये आंदोलन क्यों किया जा रहा है, और आखिर ये रोष क्यों व्यक्त किया जा रहा है, क्यों रोष व्यक्त किया जा रहा है, आखिर किस मुद्दे को लेकर आंदोलन हो रहा है। कल इस भारतीय जनता पार्टी ने असंवैधानिक रूप से जो हमारे उद्धव साहब के जो हमारे भगवान है उनके पोस्टर फाड़े, उनके नारे निर्देशन करे, सिर्फ कलंक बोलने पे, अरे कलंक उनका जो संदर्भ में बोलना था वो उन्होंने कल ही स्पष्टीकरण दिया है, और वो पूरी तरीके से जायज है, इसीलिए आज हम ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को ये संदेश देने आए हैं कि अगर वो अपने लगाम में न रहे तो हमें भी फिर दो चाले और चलना आता है। जैसा कि आप जानते हो, अल्पाजी प्रहारों की राजनीति यहाँ चल रही है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं परेशान हो चुकी है। इन सब का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को ठहराना चाहिए, हर पार्टी को तोड़ फोड़ के अपने पक्ष में लाने का जो कार्य वो लोग कर रहे हैं निरंतर 1.5 साल से, मुझे लगता है ये अत्यंत निंदनीय है, और अगर साहब ने कोई शब्द कहा है तो बिल्कुल सही कहा है, और हम उस शब्द के पीछे डट के खड़े हैं। जय भवानी। जैसा कि आप जानते हैं, नेता प्रतिपक्ष राव साहेब दानवे ने बोला था कि नागपुर शहर में देसी कट्टागिरी रखा जाता है, इससे कहीं ना कहीं कथित तौर पर शहर की भी बदनामी हुई, ऐसा कथित तौर पर सियासी परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कथित तौर पर क्या है, इसमें फ्रंट लाइन न्यूज़पेपर पे आई हुई खबर है, यहाँ देसी कट्टा ही नहीं, कल ईमान गिरवी होंगे, कल इंसान गिरवी होंगे, बीजेपी के रात में कुछ भी हो सकता है। यहाँ का गृह दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं,
नागपुर शहर में वैरायटी चौक पर यह काफी बड़ा आंदोलन शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट की ओर से हो रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के विद्यमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कलंक कहकर संबोधित करने के प्रत्युत्तर में आज उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना गुट की ओर से ये तीव्र आंदोलन किया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफी बड़े तौर पर यहाँ नारेबाजी की जा रही है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना गुट के युवा कार्यकर्ता सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है और जो चित्र फेसबुक पर चल रहा है आजकल कलंक का चित्र जो कि काफी वायरल हो चुका है और वही यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करते वक्त यूज किया जा रहा है। शिवसेना का झंडा आप देख सकते हैं उद्धव। दर्शकों जैसा कि आप जानते हैं इस आंदोलन में पूर्व सांसद प्रकाश जाधव भी मौजूद है जिनसे आप जानते हैं या फिर आंदोलन किस मुद्दे पर लेकर बीजेपी ने खरीदी बिक्री का काम करके लोक प्रतिनिधियों का बाजार लगवाया है जिससे लोकशाही बदनाम हुई है और महाराष्ट्र बदनाम हुआ है। ये तोड़े फोड़े के राजकारण में राजकारण इतना घटिया लेवल पर ले जाने का पाप बीजेपी ने किया वो आप देख रहे हैं। दर्शकों इस वक्त हम मौजूद थे वैरायटी चौक पर जहां की शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि कलंक कहा गया था उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने कल अंत यात्रा निकाली जिसके विरोध में आज शिवसेना ठाकरे गुट द्वारा यह आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उपस्थित होता है कि ऐसी प्रत्युत्तरों की राजनीति ऐसे अल्पाजी प्रहारों की राजनीति के बीच आखिर जनता के मुद्दे उठाएगा कौन। इसी प्रश्न के साथ इसी सवाल या निशान के साथ कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं मनीष टेमरे एनबीसी न्यूज के लिए नागपुर। राज्य की राजनीति में चल रहे इस घमासान के बीच सभी दल अपनी प्रतिष्ठा बचाने में लगे हुए हैं। राजनीतिक पार्टियां आपस में भिड़ रही है लेकिन सबसे बड़ा सवाल उपस्थित होता है कि आखिर जनता के कल्याण के मुद्दे उठाएगा कौन। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मनीष टेमरे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।